अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। और अब मेरे पास इतने ज़्यादा व्लॉग्स पड़े हैं जो कि मैंने अभी एडिट करनी है, वीडियोस और वॉइस ओवर करना है, और ये सब कुछ मैंने करना है रमज़ान से पहले पहले। बट टाइम निकालना इन चीज़ों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आजकल। खैर, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि अब वीक में जो है दो वीडियोस अपलोड किया करूँ एक की बजाय, ताकि सारी वीडियोस जो है वो रमज़ान से पहले पहले मैं अपलोड कर सकूँ। भाई की शादी के इवेंट सारे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, और जितना हम लोगों ने ये टाइम जो है एंजॉय किया है, उतना ही हमारे लिए स्ट्रेसफुल भी रहा है, क्योंकि ये सारे इवेंट्स जो हैं प्लान करना सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट था, कोई इजी टास्क नहीं था। और शादी के बाद जो है वो फ़न पार्ट आता है, जो कि है शादी की दावतें, और वो बंदा सही से इंजॉय करता है विदाउट एनी स्ट्रेस। वलीमे के बाद मैं एक हफ़्ता जो है अपने पेरेंट्स की तरफ रुकी हूँ, और उसमें जितनी भी दावतें मैनेज हो सकती थी वो हमने मैनेज की हैं। और सबको पता भी था कि मैंने चले जाना है, तो उनकी भी यही कोशिश थी कि मेरे होते हुए सारी दावतें हो जाएं। तो जो पहली दावत थी उसके लिए मेरा और इज़ना का ड्रेस जो है वो सेम कलर में था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि मैं दावतों का सोच के नहीं आई थी। मुझे था कि वलीमे के बाद मैंने फ़ौरन घर चले जाना है, और फिर बाद में मुझे याद आया कि हाँ सच, दावतें भी तो होनी है। खैर, मामा ने गिफ्ट्स जो हैं पैक किए हैं, साथ स्वीट पैक की है जो कि हमने आंटी की तरफ लेके जानी है। और ये वही आंटी हैं जिनको मैंने अपनी वीडियोस में कई बार मेंशन भी किया हुआ है, जो हमारी पुरानी नेबर हुआ करती थी और जिनकी बहुओं के साथ हमारी अच्छी दोस्ती भी है। रास्ते में मुझे ये ब्लू कलर की ट्रेन नज़र आई, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। नॉर्मली यहाँ पर रेड कलर की ट्रेन होती हैं, तो ये ब्लू कलर की ट्रेन देख के मैंने कहा कि ये ट्रेन ने भी आज हमारे साथ ट्विनिंग की हुई है, तो इसको मैं कैप्चर कर लेती हूँ। बस अब यहाँ पे हम लोग आंटी की तरफ पहुँच के हुए हैं, और यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, और क्योंकि हम लोग पहले यहाँ रहे हैं, और इस वजह से हमें और ज़्यादा फील होता है जब भी कोई पार्किंग नहीं मिलती, क्योंकि जो यहाँ पे रहते हैं, जो फैमिलीज इधर रहती हैं, उनके लिए पार्किंग स्लॉट जो है अलग से बना हुआ है। और अब हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली गेस्ट ही बन के आते हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जा के पार्किंग स्लॉट जो है मिलता है। तो खैर, अब हमें ठंड लग रही थी तो हम लोग अंदर चले गए। बस कुछ देर बाद फिर पापा और भाई भी अंदर आ गए, और जितनी देर में खाना लग रहा था डाइनिंग टेबल पे, तो हमने सोचा उतनी देर हम लोग कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं। आंटी और उनकी बहू ने मिलके बनाए थे यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस खाने, राइस थे और हलीम, कोफ्ते का सालन, चिकन 65। और ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कहीं गई हूँ, खाना खाया है, या फिर नॉर्मली घर पे भी मैं अगर राइस मिलते हो तो मैं राइस ही खाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं खाती। तो दावतों पे भी ऐसे ही होता है कि मैं राइस खाती हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने राइस नहीं खाए और मैंने हलीम खाया है। ये भी एक रीज़न है कि ये दावत जो है यादगार रहेगी। और ये टेबल भी बहुत प्यारा सा सेट किया हुआ था। आंटी ने स्वीट में बनाए थे गुड़ वाले राइस, जो कि वैसे ज़्यादा बड़े पसंद करते हैं, और हमारे लिए आंटी ने बनाया था टीरामीसू। और ये आंटी अक्सर ही बनाती हैं जब हम उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये बहुत पसंद है। और इस पर लिखा हुआ था बी एंड के, जो कि मेरे भाई भाभी के नेम के फर्स्ट लेटर्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये सिर्फ उनके लिए स्वीट डिश बनी है, हम सब ने मिल के बहुत इन्जॉय की। बाय द वे, आप में से किसी ने टीमू से ज्वेलरी बाय की है? क्योंकि अनुषा ने बाय की थी, और उसने ग्रीन कलर का सेट मंगवाया था, और इतने टाइम से वो पहनना चाह रही थी, बट उसे था कि कोई मैचिंग इसके साथ ड्रेस भी हो, तो आज उसने ड्रेस इसी तरह का चूज़ किया जिसके साथ वो ज्वेलरी पहन सके, और यहाँ पर वो अपनी रिंग दिखा रही है जो कि ऑलरेडी टूट भी गई है। अब हम लोग ने खाना खा लिया था, और अब मिलनी थी चाय, और ट्रेडिशन के मुताबिक मैं भी अपनी दोस्त के साथ किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। बनाने के लिए नहीं, खैर बनाती मेरी दोस्त है, लेकिन मैं पास खड़ी होकर देख लेती। करो करो, क्यों अब ना करो, मैं बताऊंगी कि मेरी दोस्त जो आई बर्तन धो रही है। गुड जॉब आमना। एज बींग अ गुड फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त के साथ खड़े होकर बर्तन धुलवा रही थी उससे, और मैंने कहा कि वो बोर ना हो, तो इस वजह से मैं कंपनी दे रही थी, साथ मोटिवेट कर रही थी। और इज़ना ने माशाल्लाह से जो ड्रेस पहना था, उसे लग रहा था कि हम लोग फिर किसी फंक्शन पे आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी वो। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो ये वाला ड्रेस अभी उसे थोड़ा सा लूज़ था, लेकिन स्टिल अच्छा लग रहा था उसे जब पहनाया था। अब वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ लग रहा है, लेकिन पिक्चर्स वगैरह बनाई थी तो उसमें काफ़ी प्यारी पिक्चर्स आई हैं इज़ना की। सो फाइनली चाय भी आ गई है, और आज तो सारा कुछ ही मेरे साथ मैचिंग है, तो ये कप भी मेरे साथ मैच कर रहा था।
चाय पीने के बाद फिर अब इज़ना को नींद भी आ रही थी, तो मैंने कुछ पिक्चर्स इज़ना के साथ बनाई। उसके बाद फिर मैंने इज़ना को भी चेंज कराया और उसे सुला दिया, क्योंकि आंटी की जो सबसे छोटी बहू है उसकी भी रिसेंटली शादी हुई थी और ऑब्वियसली भाई भाभी की भी अभी शादी हुई थी, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस थी जो हम लोगों ने वॉच करनी थी। वैसे तो हमें था हमारे घर आएंगे फिर दिखाएंगे, लेकिन वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान था, क्योंकि मेरा भी पता नहीं होता मैंने कब आना, आंटी की बहू भी यहाँ पे नहीं होती तो फिर उसका भी कोई आइडिया नहीं होता कि उसने कब मिलना है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने उसी दिन सारी पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो देख ली। अब ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे लेकिन हम लोगों की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, इतना इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। लेकिन फिर मामू की कॉल आई, मेरे मामू थोड़ा दूर रहते हैं और उनकी ये आदत है कि वो सरप्राइजेस बहुत देते हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ। पहले हमें लगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हमें पता चला कि नहीं वो सीरियस हैं, तो हम लोग जल्दी से निकले। आंटी ने फिर थोड़ा सा खाना जो है वो साथ दे दिया था और उसके बाद घर पहुंच के हम लोगों ने जल्दी से जो है वो चाय का इंतज़ाम किया, जो भी जल्दी में हमारे से मैनेज हो सका था वो हम लोगों ने किया उस वक्त। ये था आज की दावत का व्लॉग, और कल वाले दिन फिर एक दावत है, उसका मैं व्लॉग इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।